मनोज सर, थोड़ा आप अपनी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री के बारे में भी बताएं, क्योंकि अक्सर आप ट्वीट करते हुए भी देखे गए थे कि रैप अप है लेकिन मिस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए, जिस तरह से हमने शूटिंग की थी वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा काफ़ी फास्ट पेस्ड हम लोगों का पूरा शेड्यूल रहा था, काफ़ी पैक्ड था, और चूंकि जब पैक्ड होता है तो यू नो यू आर स्पेंडिंग यू नो डे इन डे आउट, यू नो चाहे वो डे की शूटिंग हो रही, नाइट की शूटिंग हो रही है, लगातार हम लोग एक ही होटल में रहते हैं। एंड शीट वॉज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो हम लोगों के बीच में जो रोज़ का मिलना जुलना, एक दूसरे से बातें करना, चाहे वो फिल्म को लेकर के हो चाहे फिल्म के बाहर की चीज़ों, हंसी मजाक, देन यू स्टार्ट मिसिंग दैट, सडनली दैट बिकम्स योर फैमिली। तो इतने दिन में जो एक पूरा जो एक ग्रुप बना है, होपफुली इट विल बी अलाइव इवन आफ्टर द रिलीज, बट टिल द फिल्म रिलीज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेन एवर द ग्रुप विल कम टुगेदर, हमेशा एक हंसी मजाक का माहौल रहता है। हमने जबकि इतनी सीरियस फिल्म बनाई है, हमने ड्रामा है, थ्रिलर है, लेकिन उसके अलावा जो ऑफ द सेट होता था वो बहुत ही कमाल का एटमॉस्फेयर था, कमाल का माहौल था। वो मैं बहुत मिस करता हूँ हमेशा, जब भी आप कोई और काम कर रहे होते हैं तो इतना आसान होता नहीं है, इतने इतने क्लोज निट काम करने के बाद, इतना इंटेंस काम करने के बाद, और खास करके उस फिल्म पे जिस फिल्म पे सभी फख्र करते हो, उस फिल्म से अलग हो पाना बड़ा मुश्किल काम होता है।